हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज शिवरात्रि है तो मुझे मंदिर जाना था, बाबा विश्वनाथ मंदिर। तो उसके लिए जल्दी उठना था। ये मैंने अपने लिए नया सूट निकाल लिया है जो कि मैं पहनूंगी अभी नहाने के बाद, तो जा रही हूँ रेडी होने। यहाँ पे मैं नहा कर रेडी होकर आ गई थी, तैयार होकर वही आपको बता रही थी क्योंकि सब लोग सोए थे इसलिए बहुत धीरे बोल रही थी और इतना धीरे बोल रही थी कि खुद को भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया इसको। और मैं आपसे यही कह रही थी कि अभी 4 भी नहीं बज रहा है, अब मैं निकलने को तैयार हूँ बिल्कुल मंदिर जाने के लिए। तो मिलते रास्ते। फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए। अभी 4 बज रहा है और सुबह का मौसम है इसलिए ठंड भी है थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पे अब मंदिर जाते देखते हैं वीडियो बन पाता है या नहीं, और जाएंगे तो अगर कोशिश होगा तो रास्ते और भीड़ का, क्योंकि आज शिवरात्रि है और बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो देखते हैं भीड़ है होता है और कितना है सुबह सुबह। तो चलिए मिलते हैं वहीं पर, मिलकर बात करेंगे आपसे अगर वीडियो बनेगा तब। ये है मंदिर और ये है हमारे बाबा विश्वनाथ की नगरी। देखिए गौरी शंकर मंदिर को कितने अच्छे से सजाया, और बनारस के सारे मंदिरों को ऐसे ही सजाया जाएगा। मंडी में गाइस बहुत ही ज्यादा रौनक है अभी, वैसे तो सुबह ही सुबह यहाँ पे मंडी में लग जाता है लेकिन अभी देखिए त्योहारों में तो कुछ और ज्यादा धूम रहती है यहाँ पे। A few moments later. बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी। अब हम मंदिर में पहुंचने वाले हैं थोड़ी दूर में, तो हम मोबाइल जमा करना पड़ेगा और मंदिर का व्यू आपको दिखाते हैं कितने अच्छे से सजाया गया है। बच्चों के साथ मंदिर में प्रवेश न करें, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एवं स्वच्छता बनाए रखने में अपना सहयोग दें। दान केवल दान पेटी में ही डाले, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का नशे का सामान, साथी, कैमरा, पेट अथवा प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ मंदिर में प्रवेश न करें। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एवं स्वच्छता बनाए रखने में अपना सहयोग दें। दान एवं दान के निशाने अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो मंदिर के करीब पहुंचते ही ये देखिए कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है मंदिर को। और दर्शन करने के बाद मैं बाहर निकली तो थोड़ा फ़ोटोज़ और वीडियो तो लेना बनता ही था क्योंकि मोबाइल में पहली बार ले गई थी वहाँ तक, तो सोची कि नई वीडियो बना और ये बाबा का दर्शन आप करिए, ये लाइव दिखाते हैं वहाँ पर। तो बहुत शोर था इसलिए मैंने ज़्यादा वो म्यूट ही रखा था। और देखिए दर्शन मेरे पीछे, दर्शन तो हो गया, जल मैंने चढ़ा दिया है तो आप भी दर्शन कर लीजिए महादेव का। और बहुत बड़ा LED लगा हुआ है तो ये मौका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे साथ साथ आप भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। तो भीड़ तो अभी भी बहुत है, लाइन अभी भी लगी हुई है, आप देख ही सकते हैं आज दिन भर रहेगा ये ऐसा ही। लोगों का पूरे 2 घंटे के बाद हुआ है दर्शन और जल चढ़ाना हुआ है। अब थोड़ा महादेव का टीका लगा देते चंदन, उसके बाद घर चलेंगे। और जो शिवलिंग रास्ते में एक दूध, क्योंकि मैंने 2-2 खरीद लिया था इसलिए दूध भी चढ़ाएंगे, कोई शिवलिंग मिले।
पास में होगा, हाथ में दे दे, जाओ लोटा लेकर आओ, पूजा करने जा रहा है। और हम तो आ ही चुके हैं मंदिर से, अब जाएंगे काम करने और खाना पीना बनाने, उसके बाद शाम को भी कहीं जाएंगे तो वहाँ का भी आपको दिखाएंगे कहाँ, क्योंकि आज तो काशी के हर एक मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है तो दिखाया जाएगा। और चलते हैं फिर जल्दी जल्दी से काम कर लेना। ये मूंग का थोड़ा सब्जी मैंने बनाया, जिनका व्रत है दो लोगों का ही है खाने का, तो मूंग का सब्जी बना लियो। और ये आलू और भिंडी का, ये चावल भी बन गया है, ये दाल है, बस रोटियां बनानी बाकी है। Later. सबके लिए खाना बनाने के बाद फिर हम लोगों का व्रत था, तो व्रत के लिए मैंने आलू दम बनाया था इस तरीके से। अगर पूरा रेसिपी चाहिए तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। और साबूदाना, और ये उबले हुए आलू का बना था, लेकिन इसमें कुछ शाम हो गई है गाइस, और मैं सो कर उठ भी गई हूँ, अब सोच रही हूँ जाऊँ छत पे चाय पीते पीते, और छत पे चढ़ने में ही थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, जा रही हूँ। ये व्यू देखिए गाइस सनसेट का, सोची हूँ चाय पी भी लूँ और थोड़ा वीडियो भी बनाना था, फिर कपड़े भी लेने थे। अब वैसे भी गर्मी आ रही है तो शाम का वक्त छत पे ही रहेगा। हाँ देव यूट्यूब फैमिली, तो अभी जस्ट आया है कुछ सामान शाम के नाश्ते के लिए, क्योंकि व्रत है और बनारस के व्रत में सब चीज़ खाया जाता है। बनारस में कोई भी व्रत आप कर लीजिए उसमें मज़े से सब चीज़ खाया जाता है। तो अभी आया है शकरकंदी, जिसको मैं उबालने जा रही हूँ, उबाल के, किसी किसी को पसंद है रोस्ट करके खाना, किसी किसी को पसंद है उबाल के खाना, तो जा रही हूँ मैं उबालने, आपको दिखाती हूँ। और आलू तो उबल ही रहा है, ये है बहुत सारे, इसको अच्छे से धुल लूँगी फिर बनेगा। शकरकंदी ये वैसे बहुत हेल्दी भी होता है। तो गाइज ऐसा रहा पूरा आज का दिन शिवरात्रि वाला, तो कैसा लगा आपको ब्लॉग ये बताइएगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शाम को कहीं जा नहीं पाई इसलिए वीडियो भी नहीं बना, ब्लॉग भी नहीं बन पाया, तो जो है जितना है उसी को प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।